पीएम मोदी के संबोधन पर टीएस सिंहदेव का बयान सामने आया। टीएस सिंहदेव ने वैक्सीनेशन को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा, कहा कि देश में वैक्सीनेशन को लेकर केंद्र सरकार फेल हो गई है। कि केंद्र सरकार टीकाकरण के फैसले में और उसके अनुपालन में वो फेल हो गई, सच्चाई यही है। मैं दोष बतौर नहीं कह रहा इस बात को। उन्होंने 2 जनवरी 2021 को दो कंपनियों को चयनित किया और कहा कि ये दो कंपनी के टीके देश में लगेंगे और 30 करोड़ नागरिकों को टीका लगाने का सार्वजनिक लक्ष्य निर्धारित किया कि 30 करोड़ लोगों को टीके लगेंगे, 1 करोड़ उसमें हेल्थ केयर वर्कर, 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर, 26 करोड़ 60 साल से ऊपर और 1 करोड़ 45 साल से ऊपर को मॉर्बिडिटी वाले। तो ये एक टारगेट केंद्र सरकार लेके चल रही थी 30 करोड़ टीके लगाने की, 30 करोड़ लोगों को यानी 60 करोड़ टीके लगाने की, और उस समय उनके पास 7 करोड़ से ज्यादा टीके ही देश में बनने की स्थिति नहीं थी एक महीने में। यानी स्वयं कार्य योजना जो केंद्र सरकार की थी वो 9 महीने से 10 महीने में 30 करोड़ लोगों को टीका लगाने की थी, देश के बाकी नागरिकों को तो छोड़ दीजिए। अब ये बात जब सामने आने लगी कि टीके ही उपलब्ध नहीं हो रहे हैं और एक तरह से ये बयान आया कि टीकों की कोई कमी नहीं है, ये स्थिति सार्वजनिक पटल पे होने के बावजूद प्रयास ये किया गया कि देश में ऐसा माहौल बनाओ कि टीकों की कमी नहीं। अगर टीके की कमी नहीं है तो किसकी गलती है? फिर राज्य सरकारों की गलती है कि वो टीका नहीं लगा रहे। तो जब सच्चाई सबके सामने है और वो बात आने लगी, एक के बाद एक राज कहने लगे कि भाई ये आप कैसे कह रहे हैं कि टीके की कमी नहीं है, यानी राज्य सरकारें टीका नहीं लगा रही हैं, तो खुल के बात सामने आ गई कि टीके ही देश में उतने बन नहीं रहे। अगर 7 करोड़ टीके बन रहे हैं तो देश के 80 करोड़ या उससे ज्यादा लोगों को टीके कम समय में कैसे लग सकते हैं, यानी 22-23 महीने का टारगेट उस अनुपात पे था। ये भी अब लोगों के समझ में आ गया कि ठीक नोटबंदी के जैसे कि जब नोटबंदी के समय आपने बिना नोट छाप के तैयार किए नोटबंदी लाई और लोगों को बड़ी तकलीफ हुई, वही वैक्सीनेशन में आपने कर दिया कि वैक्सीनेशन की आपने घोषणा कर दी और वैक्सीन आपके पास पर्याप्त नहीं थी और आपने कह दिया कि वैक्सीन की कमी नहीं है, और अब आप ये कह रहे हैं कि आने वाले समय में इसकी पूर्ति होगी।